तो कहने का भाव ये है कि रैंक पहला है तो कुछ दिनों तक आप स्टार रहेंगे, टीवी पे, यूट्यूब पे, अखबारों में रहेंगे, पर ये हो सकता है ना कि रैंक 9 जिसको कोई नहीं जानता था वो एक कलेक्टर के रूप में ज्यादा अच्छा साबित हो जाए, या रैंक 68 जिसको किसी ने जानने योग्य समझा भी नहीं शानदार अधिकारी बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, 5-7 दिनों की बात है। लेकिन मुझे फिर भी लगा कि एक बार थोड़ा सा हम कल्पना करें कि चीजें कहाँ बिगड़ती हैं और कैसे संभावनाएं बन सकती हैं। अगर मैं रैंक 1 और रैंक 18 की तुलना करूं, रैंक 22 की नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 2 स्थानों पर अंतर आएगा, 1 और 18 में तुलना और अच्छी हो पाएगी, तो वहां से देखते हैं। जो जनरल स्कोर है वो तो पता ही है, वो तो पूरी दुनिया को पता है। तो रैंक 1 के जो मेंस के मार्क्स हैं वो है 932, और ये इतने ज्यादा है कि सेकंड रैंक जो है उससे लगभग 61 नंबर ज्यादा है, 61 ज्यादा है। ऐसा अक्सर होता है कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इनमें बहुत गैप होता है, उसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 25-30 रैंक के बाद 1 नंबर, 50 रैंक के बाद 1 नंबर पे 2-2, 3-3, 200 रैंक के बाद 1 नंबर पे 6-6, 7-7, 400 के बाद 1 नंबर पे 10-10, 12-12 टंगे होते हैं, ये सामान्य बात है। तो 932 इनके मेंस में है, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में इनके नंबर मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि खतरनाक हो, 173 नंबर है, और ये दोनों जोड़ देंगे तो ये नंबर बनते हैं 1105। कितने में से आपको पता है कि मुख्य परीक्षा 1750 की होती है और इंटरव्यू 275 का होता है, तो 2025 नंबर का सारा खेल होता है। तो 2025 में से इतने नंबर हैं, मतलब परसेंटेज में 55 भी नहीं होते हैं, यूपीएससी में ऐसा होता है, इससे गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कोई, मतलब कई बच्चे सोचते हैं बस इतना ही, अरे मैं तो 80% वाला हूँ, 90% वाला हूँ, है ना। तो आपके जो 90% आए हैं वो यहाँ काम नहीं आते, यहाँ 50 लाने में ही मतलब नानी दादी सब मर जाती है यहाँ पर, बड़ा बड़ा मुश्किल काम है यहाँ। अब इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखते हैं कि जो हमारे हिंदी माध्यम के टॉपर है रवि, उनके मेंस में कितने कितने मार्क्स आए। इस बार उसका अटेम्प्ट शानदार हुआ था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जब वो मेंस की तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे आंसर चेक किए थे मैंने भी, और मैंने फिर उसको देखे, सुझाव भेजे कई बार। इस बार मैं तो डिसीजन था ही, हमारी टीम के बाकी लोग भी जो मेंटरशिप टीम में थे काम कर रहे थे। असल में 3 साल से रिजल्ट ऐसा था कि कहते उठ डर लगता था मुझे, क्या होता ना कि जब आप बार बार हादसों से गुजर रहे हो तो अच्छी संभावनाएं भी है, तो आप बोलने से बचते हैं कि भाई कहीं फिर कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन मैंने अपने बहुत कोर ग्रुप को ये बात कई बार कही थी और भी दोस्तों ने कही थी कि इस बार कुछ होना चाहिए। मैंने रवि से कहा था कि भाई मेरे ख्याल से जो पर्सनल बातचीत में कहा था कि सब ठीक रहे तो पहले 10-20 रैंक में होना ही चाहिए। और संयोग से एक और सिविल सर्वेंट है, मतलब हिंदी माध्यम का ही सिलेक्टेड कैंडिडेट है, कुछ दिन पहले वो मुझसे मिलने हैं, उसने मुझसे पूछा कि सर इस बार क्या उम्मीद है, वो एग्जाम नहीं दे रहा इस बार। तो मैंने उससे वैसे ही कहा था, मैंने कहा देखो कहते डर लगता है लेकिन अगर सब ठीक रहे तो पहले 10-20 रैंक में रवि को तो आना ही चाहिए, और एक दो कैंडिडेट्स और हैं जिनकी संभावना बहुत प्रबल है। अब कल उनका मैसेज आया कि सर आपने उस दिन कहा था और इस बार बहुत साल के बाद चीजें ठीक हो गई, क्यों? क्योंकि रवि की जो तैयारी थी वो उस स्तर पे आ गई थी जहां कुछ कहने को बचता नहीं है। हिंदी साहित्य उसका विषय था, उससे वो मेरा स्टूडेंट था, पर कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य का पेपर लिखे 19 क्वेश्चन एक पेपर में, 19 दूसरे में, 38 की 38 क्वेश्चन एकदम शानदार लिखे हों, अब नंबर कहां काटेंगे, उसको भी नहीं बचता नंबर काटने का। और इस बार ऑप्शनल में 500 में से जिनके 250 नंबर हैं वो अच्छे नंबर हैं, इस बार जो मार्किंग का लेवल है 250-260 अच्छे नंबर हैं इस बार, और उसमें रवि के ऑप्शनल में जो नंबर आए हैं वो 284 आए हैं, जिसके आसपास पूरी यूपीएससी में मेरे ख्याल से
अगर मेंस 12,000 ने दिया होगा तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 50 से 100 लोग मैक्सिमम होंगे जिनका स्कोर इतना आया होगा किसी भी विषय में, सारे विषय मिला के बता रहा हूँ। और हिंदी माध्यम में मैंने जितनी मार्कशीट देखी मैं सारे देख नहीं पाया, लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स देख रहे। जीएस में वो पिछले कई सालों से जब जब एग्जाम दिया हिंदी मीडियम में, जीएस में उसका टॉप रैंक आता ही आता है, हर बार आता है। इस बार मार्किंग थोड़ी सी ठीक है हिंदी मीडियम में जीएस की, और जीएस में उसके 424 नंबर आए। हिंदी मीडियम में 400 मतलब बहुत शानदार नंबर होते हैं। इस बार 3-4 लोग दिख रहे हैं जो 400 प्लस, जैसे आनंद के 420 नंबर हैं, जो सुनील है उसके 419 शायद नंबर है, एक दो के और 405 401 के आसपास है। 400 प्लस में 4-5 लोग इस बार हैं हिंदी मीडियम में, जो कि बड़ी बात है। अब मैं इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की मार्कशीट मिली नहीं है कि मैं कंपैरिजन कर सकूं कि उनका स्कोर कहां तक गया। अगर उनका 440 के आसपास है, 45 है, तो बहुत खुश होंगे क्योंकि गैप उतना ज़्यादा नहीं है। वरना जीएस में थोड़ा गैप रहता है इंग्लिश और हिंदी के बीच में, जो कि टॉपर्स के बीच में आमतौर पर 50 नंबर के आसपास का होता है। इस बार का मैं भी देख नहीं पाया हूँ, आते आते ही मैंने कोशिश की पर मुझे टॉपर्स की मार्कशीट नहीं मिल पाई अभी तक, क्योंकि एक ही दिन हुआ ना। धीरे धीरे मिलेगी, फिर हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे।